1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। 17 सितंबर 1939 को पोलैंड के बचे हुए हिस्से पर सोवियत संघ ने हमला कर दिया। हमलावरों का इरादा यह था कि पोलैंड को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। कब्जा करने वाले दोनों देशों ने पोलैंड के नागरिकों का दमन शुरू कर दिया और इसमें निहत्थे नागरिकों को आतंक का निशाना बनाने वाली सत्ता के इस्तेमाल, जनसंहार, कैद, जबरन मजदूरी और पोलैंड के लोगों को सोवियत संघ के सुदूर इलाकों में बसाने जैसे तरीके अपनाए गए। मुश्किल सफर और उसके बाद की सख्त जिंदगी में बहुत कम लोग जीवित बचे। गुलामों के तौर पर काम कर रहे पोलैंड के नागरिकों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से रिहा हो गए लोगों के पास भी लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका कोई देश या घर नहीं था और ज्यादातर लोगों के परिवार खत्म हो चुके थे। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश थे जिन्होंने अपनी दरियादिली दिखाते हुए उस सबसे खौफनाक जंग के दौरान पोलैंड के नागरिकों को आश्रय देने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये फिल्म भारत के नवानगर के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी द्वारा प्रदर्शित असाधारण सद्भावना और उदारता की दास्तान है, जिन्होंने पोलैंड के लगभग 1000 बच्चों की जिंदगी, उनके बचपन और उनकी उम्मीदों की अनमोल मान्यताओं को बचाने में मदद की। मैं यहाँ इस जमीन पर चौथी बार आया हूँ और पता नहीं, लेकिन ये शायद आखिरी बार हो, पर ये जगह हमेशा मेरे दिल में बसी रहेगी। इतिहास और इतिहासकारों की याददाश्त में ये साल बहुत गहराई से नक्श है। भारतीय उपमहाद्वीप में राष्ट्रपिता कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसक विरोध के माध्यम से एक निरंकुश सत्ता का अंत करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे थे और उधर पूरे यूरोप में जबरदस्त हिंसा का माहौल बन रहा था। ये आगाज था दूसरे विश्व युद्ध का। यूरोप के दो सबसे बड़े देश, नाजी जर्मनी और स्टालिन का सोवियत संघ, बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं वाले ये दोनों देश एक मामले में सहमति पर पहुंच गए कि वर्सायस समझौते द्वारा यूरोप में कायम व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता थी। 23 अगस्त 1939 को मॉस्को में एक दूसरे पर हमला नहीं करने के रिबेंट्रॉप मोलोटोव पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए और इसके साथ ही इसमें पोलैंड के विभाजन की भी एक गुप्त शर्त रखी गई थी। 1 सितंबर 1939 को नाजी थर्ड राइख ने पोलैंड पर हमला कर दिया और 17 सितंबर को सोवियत संघ ने भी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फरवरी 1940 से जून 1941 के बीच सोवियत अधिकारियों ने पोलैंड के पूर्वी हिस्से में पोलिश नागरिकों को सोवियत संघ के सुदूर हिस्सों में निर्वासित करने के 4 बड़े अभियान चलाए। इसकी चपेट में आए पोलैंड के नागरिकों की संख्या सोवियत संघ के अनुसार 3,25,000 से ज्यादा और पोलैंड के मुताबिक इससे कई गुना ज्यादा थी।
मेरे पास एक माउथ ऑर्गन था जो उस वक्त मेरे हाथों में था। हम बाहर निकलकर एक ट्रक पर चढ़ गए। वो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। हम बहुत डरे हुए थे। मुझे पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और तब से आज तक मैंने कभी वो प्रार्थना नहीं की जिस पर मुझे भरोसा था कि उससे मदद मिलेगी। मैं लगभग 6 साल का था। मेरी माँ ने पूछा कि वो कहाँ है, वो कहाँ जा सकता है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि जाओ कब्रिस्तान में देखकर आओ। मैं किसी तरह से चुपके से खुली खिड़की के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। मैंने आखिरी बार अपनी मां को उसी वक्त देखा था। ऐसे मुश्किल हालात में निर्वासन में बनी पोलैंड की सरकार के पहले प्रधानमंत्री और सशस्त्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ जनरल सिकोर्स्की ने इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल को पत्र लिखकर पोलैंड के खजाने यानी वहां के भूखे बच्चों की सुरक्षा करने और उन्हें सेहतमंद आबोहवा वाले ऐसे देश में ले जाने का अनुरोध किया जो युद्ध से सुरक्षित थे। इस अपील पर सबसे पहले गौर करने वालों में से एक था भारत। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की पुकार भारत में गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक रियासत नवानगर के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह जी ने सुनी। भारत शौर्य और परंपराओं के समृद्ध इतिहास वाला देश है जो अपने मेहमानों को भगवान मानता है। मैं महाराजा के लिए पोलैंड में चर्चित नाम द गुड महाराजा यानी अच्छे महाराजा का इस्तेमाल करना चाहूंगा। वो चेंबर ऑफ इंडियन प्रिंसेस की अगुवाई कर रहे थे और ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के सदस्य थे और इसी हैसियत में उन्हें पता चला कि सोवियत संघ से दसियों हजार पोलिश शरणार्थियों को निकाला गया है और उनकी स्थिति बेहद खराब थी। पोलैंड और खासकर इस सबसे भयानक युद्ध में बहुत दुखद स्थिति में अपना बचपन बिता रहे बच्चों की दुर्दशा से द्रवित और दुखी होकर मैं किसी तरीके से मदद करना चाहता था और युद्ध की बदहाली से दूर एक देश में उन्हें शरण देकर उनकी स्थिति में सुधार लाना चाहता था। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इन बच्चों के कष्टों का निवारण करने का अवसर मिला और मुझे पोलैंड राष्ट्र और दमन के खिलाफ उसके लगातार जारी संघर्ष से सहानुभूति है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने इतनी बहादुर संतानें पैदा की हैं। मेरे पिता को पोलैंड की राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी और अब पोलैंड इतने शौर्य के साथ संघर्ष कर रहा है। पोलैंड के सैनिक सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं और जब 10 लाख से ज्यादा पोलिश नागरिक पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं तब मैं इन बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद जरूरी है कि वो अपनी सेहत और ताकत फिर से हासिल कर लें ताकि भविष्य में वो स्वतंत्र पोलैंड में
अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। युद्ध से बेहाल पोलैंड और साइबेरिया के श्रम शिविरों के शरणार्थी गुलाम बन चुके बच्चे न सिर्फ अपनी पहचान खो रहे थे बल्कि उन्होंने अपना घर भी खो दिया था। महज 10 साल की उम्र के कुछ बच्चे अपने भाई बहनों के साथ अलग अलग समूहों में हजारों मील की लंबी और कठिन यात्रा के बाद रूस से ईरान, अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान से गुजरते हुए भारत में उस ठिकाने पर पहुंचे जहां उनकी सही तरीके से देखभाल हो सकती थी। मैंने खुद को अपनी बहन और अपने भाई के साथ आशकाबाद के एक अनाथालय में पाया। फिर अनाथालय के दूसरे बच्चों के साथ हम मशाद पहुंचे। फिर एक रात मेरा छोटा भाई वहां से अचानक ही गायब हो गया। हम उसे ढूंढ रहे थे कि चेसेक कहां गया, और तभी ड्राइवर उसे वापस हमारे पास ले आया। उस सुबह हमें ये पता चला कि उस दिन दोपहर में हम लोग पर्शिया और भारत की सीमा को पार करने वाले थे। हमने सुबह सफर शुरू किया और मैं सीमा पर पहुंचने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। आखिरकार हमारी गाड़ियां एक जंजीर के पास रुकी, यही देश की सीमा थी, और फिर वहां दस्तावेजों की जांच हुई और हम आगे बढ़ गए। दिल्ली के पास कई शहर थे और वहां हम में से हर एक को मिठाई का एक बड़ा डिब्बा मिला। फिर हम मुंबई पहुंच रहे थे और फिर वहां हमें कारों में बिठाकर बांद्रा ले जाया गया। हम दूर से ही समुद्र की गंध को महसूस कर रहे थे। हमारा घर समुद्र तट पर था, हम बस सड़क पार करके समुद्र तक पहुंच जाते थे और फिर हम वहां पर तैर भी सकते थे। उन दिनों हम एक ऐसे मकान में रहते थे जिसके आसपास नारियल और खजूर के बहुत सारे पेड़ थे। कुछ समय के बाद हमें भारत भेजने का इंतजाम कर दिया गया। मुझे याद है सीटियों की आवाज मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी। तट पर एक रेलगाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी, उसके डिब्बे लगभग पानी को छू रहे थे, तो मुझे तो बस यही याद है। पूरी ट्रेन में ये खबर फैल गई कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। हम फटाफट उतरे क्योंकि ट्रेन में कुछ दिन बिताने के बाद हम बेचैन थे, लेकिन हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि अभी हमें लगभग 30 किलोमीटर का सफर और तय करना था। लेकिन ये हमारे पहले के 2000 किलोमीटर के सफर के मुकाबले कुछ भी नहीं था। बहरहाल अब हम सब ये देखने को उत्सुक थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए हम वहां खड़ी फौजी गाड़ियों में बैठ गए। उस गाड़ी में नौसेना की वर्दी पहने भारतीय सैनिक थे और बाद में यही सैनिक हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब बच्चों को ट्रकों में भरकर तुर्कमेनिस्तान में आशकाबाद से पर्शिया होते हुए भारत ले जाया जा रहा था, तब यादविका की माँ को लगा कि वो भी उनके साथ जाएगी, लेकिन वो नहीं जा सकी और ऐसे में यादविका को अकेले ही जाना पड़ा। यशि की माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्हें वहीं रूस में ही रुकना पड़ा जबकि मैं और यशि भारत चले गए।
मानवीय संवेदनाओं की परंपरा वाले गुजरात राज्य में जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालाचढ़ी में जाम साहब ने लगभग 1000 पोलिश बच्चों के लिए एक कैंप बनवाया, जहां से वो 1942 से 1946 तक रहे। पोलैंड से आए बच्चों के समूहों का स्वागत करते हुए उन्होंने उनसे कहा था कि तुम अपने आप को बिल्कुल भी अनाथ मत समझना, अब से तुम नवानगर के निवासी कहलाओगे और मैं नवानगर के सभी लोगों का बापू हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भी बापू हूं। एक बार फिर से मैं बालाचढ़ी में यहाँ इस पहाड़ी पर हूँ। ये मेरी पहाड़ी है। यहाँ से आगे वहाँ रसोई घर थे और ये जो जगह आप देख रहे हैं वो हमारे रहने की जगह थी, और पीछे वो देख रहे हैं वो पानी की टंकियाँ थी। ये हमारे कैंप की जीवन धारा थी। ये बहुत अहम चीज थी, हमें इसी से पानी मिलता था। मुश्किल सफर को अकेले झेलकर बालाचढ़ी में बापू की सुरक्षा में पहुंचे दो किशोरों के लिए जिंदगी प्यार का एक बिल्कुल अलग नगमा लिख रही थी। मुझे तो उसकी हर चीज अच्छी लगती थी, क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसके लिए मुझे दिलचस्पी पैदा हुई थी। लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे प्यार करता हूँ, ये बताने की हिम्मत मैं 1995 में ही जुटा पाया। अब देखिए, उस वक्त मैं शादीशुदा था, वो उस समय अकेली थी और शायद वो एक जीवन साथी ढूंढने की सोच रही थी। मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। फिर मुझे पता चला कि उसने भी किसी से शादी कर ली है, इसलिए इसके बारे में अब बात करने का कोई फायदा ही नहीं था। मैं यहाँ खुद को मेहमान जैसा महसूस नहीं करता। मैं यहाँ कई बार आया हूँ क्योंकि ये मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी जगह है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। मुझे याद है जब आप यहाँ आए थे, हम सब बहुत उत्साहित थे। हमने आपके कैंप को बनते हुए देखा था, क्योंकि गर्मी के दिनों में हम वहीं रहते थे। एक दिन मेरे पिता ने कहा कि आज वो आने वाले हैं और जब वो इन कैंपों में आकर बस जाएं तब तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। हमने वहां जाकर आप सबको देखा। हमने पूछा ये लोग कहां से आए हैं, तो बापू ने हमें बताया कि उन्होंने पहले भी जिक्र किया था कि वो आपको गोद ले रहे हैं और आप सब पोलैंड से आए थे। उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारे भाई बहन हैं। हमने बापू से पूछा कि ये लोग बालाचढ़ी में क्यों रह रहे हैं, वो जामनगर आकर हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते। तो बापू ने कहा नहीं, वो कैंप में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैंने उसे बनाया है, वो हमारा है और हमारे परिवार के पैसों से ही उनकी देखभाल हो रही है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमने उन्हें गोद लिया है। और
हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश सत्ता नहीं चाहती थी कि हम उन्हें अपने साथ में रखें। लेकिन मैंने कहा कि ये तय करना मेरा काम है कि मैं किसे गोद लूंगा और किसकी देखभाल करूंगा, और मैं ये काम अपनी निजी जमीन पे करूंगा और अपने ही पैसों से करूंगा। जब तक इन्हें घर नहीं मिलता, ये जामनगरी ही माने जाएंगे। उन दिनों सुरक्षा की भावना पैदा करने के साथ साथ बापू ने ये भी सुनिश्चित किया कि हमारी राष्ट्रीय पहचान न खोए। वो पोलैंड की संस्कृति और हमारे रीति रिवाजों के बारे में जानते थे और उन्हें बहुत पसंद करते थे, और वो चाहते थे कि हम उन्हें सुरक्षित रखें। महारानी ने हमें कई ऐसी चीज़ें दी थीं जिनसे हमें अपनी संस्कृति को फिर से कायम करने में मदद मिली। क्या आपको हमारी देखभाल करने वाले लोगों, हमारे शिक्षकों और फादर प्लूटा की याद है? फादर प्लूटा? हाँ, हमें याद हैं वो, क्योंकि वही हमारे साथ बातचीत करने वाले वयस्क थे। और कर्नल जेफरी क्लार्क थे, वो जो मेरे पिता की तरफ से आपके कैंप के प्रशासन के प्रभारी थे, और आपकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मेरी माँ ने कैथी को वहाँ रखा था। वही जामनगर से आने वाले डॉक्टरों से बातचीत करती थी, और वही ये देखा करती थी कि आप सभी लोगों को तमाम सही दवाइयाँ और दूसरी चीजें ठीक तरह से और ठीक समय पर मिलती रहें। आश्रय और कपड़ों के साथ साथ जाम साहब पोलैंड की इन बच्चों की अगली पीढ़ी के लिए स्वस्थ शरीर और मन के विकास में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। जब बच्चे बालाचढ़ी में पहुंचे तो उन्हें खाने को कुछ दिया गया। महाराजा ने देखा कि बच्चे मुंह बना रहे थे, क्योंकि उनके लिए खाना बहुत मसालेदार था। इसलिए उन्होंने कहा, चिंता मत करो। तो उन्होंने हमारे लिए गोवा से साथ रसोइये बुलवाए। अब मैं आपको बताती हूँ पालक वाली हड़ताल के बारे में। जब हम यहाँ पहुंचे तो शुरू में हमें 2 सप्ताह तक पालक दी जाती थी, क्योंकि वो तो बहुत सेहतमंद चीज होती है ना। लेकिन पालक खाना नामुमकिन था, इसलिए बच्चों ने विद्रोह कर दिया। बड़े लड़कों ने विद्रोह करने के लिए हड़ताल करने का फैसला किया। मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था और मेरे पीछे से मेरे साथी पालक से भरी प्लेट को आगे बढ़ा देते थे, और फिर मैं बिना देखे उसे बाहर फेंक देता था। फिर मेरे पास दूसरी प्लेट आ जाती थी, और इस तरह से आखिरकार हमने पालक की पूरी सब्जी से छुटकारा पा ही लिया। ये मेरी क्लास है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं शायद 15 साल का था तब, और ये स्कूल का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था, बालाचढ़ी 1945। मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये हमारे भारतीय शिक्षक थे।
हमारी कॉलोनी में स्कूल बनाने के लिए कमरे नहीं थे, तो महाराजा ने अपना गेस्ट हाउस दे दिया और कहा कि इसे स्कूल के रूप में इस्तेमाल कर लो। हमारे क्लासरूम में महाराजा और महारानी द्वारा दी गई टेबल और बेंच लगाई गई थी। हमारे पास लिखने के लिए कॉपियां तो आ गई थी, लेकिन उस वक्त हमारे पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। कुछ समय के बाद हमें किताबें मिली तो जरूर, लेकिन वो कम थी, तो उन्हें हर चीज याद करनी पड़ती थी या फिर लिखनी पड़ती थी। इसीलिए ऊंची कक्षाओं में बच्चों ने अपनी मदद खुद करने का अभियान शुरू किया और हम अपनी लिखावट में किताबों की नकल बना लेते थे ताकि बाकी बच्चे हाथ से लिखी उन किताबों का इस्तेमाल कर सकें। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ मुझे जीव जंतुओं में भी गहरी दिलचस्पी थी। मैं अपने लिए पालतू जीव जंतु हासिल करने के लिए खुद पेड़ों पर चढ़कर तोते के बच्चे उतार लाता था। मैं कबूतर के भी ऐसे बच्चे ले आता था जिन्हें ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। हम उनकी चोंच खोलकर उन्हें खाना देते थे। हम छोटी गिलहरियां भी पकड़ कर लाते थे और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रॉपर से उन्हें दूध पिलाते थे। मुझे अब भी उस पिंजरे की याद आती है। अगर कोई उसे ढूंढकर पोलन ला सके तो मुझे खुशी होगी। सीखने की दिलचस्पी और मौके सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। जाम साहब ने उनके सर्वांगीण विकास के लिए इंतजाम किए थे, जो अतीत की उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश थी। वहां रेत में पानी के बहाव से नहरें जैसी बन जाया करती थी, जो 5 या 10 मीटर चौड़ी होती थी। मैं उनमें तैरने का अभ्यास करता था और मुझे याद है जब एक बार मैंने ऐसी ही 10 मीटर चौड़ी नहर को पार किया तो बालाचड़ी में तैराकी की वो मेरी पहली जीत थी। हमारे पास खेलकूद का ज्यादा सामान तो था नहीं, तो महाराजा ने हमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और फुटबॉल वगैरह का सामान दे दिया। बाद में जब और मुकाबले होने लगे तो बाहर की भी टीमें आती थी। एक बार जब पास की जगह से ओखा नेवी टीम, जो मिलिट्री टीम थी, हमारी टीम के साथ एक मैच खेलने के लिए आई तो महाराजा अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए ताली बजा रहे थे। आखिरकार जब हम 2-1 से फाइनल मैच जीत गए तो उन्होंने अपनी टीम को छोड़कर हमारे लिए ताली बजाई। अच्छा बताओ, इससे क्या बन सकता है? कुछ बना सकते हो? बॉल बना सकते हो इन मोजों से? कोशिश करें। हाँ, लाओ बनाते हैं। बालाचड़ी में रहने के शुरुआती दिनों में हमारे पास बॉल नहीं हुआ करती थी। हमें अपने लिए खुद ही बॉल बनानी पड़ती थी। बैरक में रहने वाले हम सभी लड़कों के पास मोजे होते थे, तो हम साल में सिर्फ एक बार यानी ईस्टर के समय उनका इस्तेमाल करते थे। मेरी दिलचस्पी स्काउटिंग में थी, लेकिन मैं बहुत कमजोर था और बचपन की बीमारियों की वजह से मैं जंग से पहले उसमें शामिल नहीं हो पाता था। बालाचड़ी में मैं इतना सेहतमंद हो गया था कि मैं स्काउट में शामिल होने का अपना वो सपना पूरा कर सका। बच्चे चाहे बीमार हों या सेहतमंद, बापू हमेशा उनका ध्यान रखते थे और उनका मेडिकल स्टाफ भी उसमें लगा रहता था। डॉक्टर अमृतलाल अशानी और दवासाज अनंत जोशी को सब बहुत प्रेम से याद करते हैं। अरे, ओह,
बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। मेरी शक्ल से कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। ये जोशी, जोशी जोशी बिल्कुल अपने पिताजी जैसे लगते हो। मैं सोचता हूँ कि 80 साल की जिंदगी में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन सिर्फ अमिट यादें ही हैं जो हमारे साथ रहती हैं, और यही बाला चढ़ी की आपकी यादें हैं जो कभी मिट नहीं सकती। ये देखिए, वो हमारी सेहत का बड़ा ध्यान रखते थे। वहाँ एक अस्पताल था जिसमें वो सबसे बड़े डॉक्टर थे। वो बीमारी में हमारी देखभाल किया करते थे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वो दिल के बहुत अच्छे थे। वो छोटे बड़े सबसे अच्छा व्यवहार करते थे। मलेरिया की महामारी फैलने पर वो हम सब की देखभाल करते थे, और वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बिल्कुल आपकी तरह। ये तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। ओह अरे बाय, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिल पाया। आप जब चाहें जामनगर आ सकते हैं, आप हमारे मेहमान बनिए, और अगर कोई भी जरूरत हो तो हम यहाँ पर हैं आपकी सेवा के लिए। हाँ, क्योंकि ये मेरे पिता के जैसे हैं, क्योंकि इन्होंने उन्हें बहुत कम उम्र में देखा था। रो मत, बस अपना ध्यान रखना। हाँ, मलेरिया की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती होने पर डॉक्टर अशानी से मेरा परिचय हुआ था। उस समय मैं कांप रही थी बुरी तरह से। वो रात में दो बार आकर देखते थे कि बच्चे किस हालत में थे। मुझे यकीन है हम सब जिंदगी के आखिरी पल तक उन्हें याद रखेंगे। नमस्ते 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 जी, मेरी यहाँ पर दुकान हुआ करती थी, और मैं सामान लाने के लिए जमुड़ा गाँव से आता था, और मेरे पिताजी बालाचड़ी में रहते थे, और मैं यहाँ साइकिल पर सामान पहुँचाया करता था। और जब आप यहाँ पर आए थे तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारी दुकान हुआ करती थी। हम सब उस जगह को रूपा नगरी कहा करते थे, क्योंकि आप लोग बहुत सुंदर थे इसलिए इसका नाम रूपा नगरी पड़ा, या यूं कह लीजिए कि रूप मतलब सुंदर, तो इस तरह से इसका नाम पड़ा रूपा नगरी। मेरी सबसे अच्छी यादें ग्रीष्म आवास की नहीं है, बल्कि जामनगर के उस महल की है जहां महाराजा के गैराज थे। वहां दर्जनों कारें हुआ करती थी। मुझे और मेरे दोस्तों को उन गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी थी। कुछ गाड़ियां खास तौर पर महाराजा के घर की महिलाओं के लिए हुआ करती थी। वो इस मामले में सबसे अलग थीं कि बाहर से देखने पर उसके शीशे में सिर्फ अपनी शक्ल दिखाई देती थी, जबकि भीतर से देखने पर आम शीशे की तरह बाहर के दृश्य देखे जा सकते थे। मैंने इस तरह का शीशा जिंदगी में पहली बार वहीं देखा था। आप उसी कार में मेरे साथ सफर कर रहे हैं? मुझे इतने वर्षों के बाद आपके साथ उस कार में बैठकर बहुत खुशी हो रही है जिसमें मेरे पिता आप लोगों से मिलने आते थे। आइए। हम लोग बहुत कम उम्र के थे, यानी मैं, मेरे चचेरे भाई बहन और हमारे सभी पोलिश दोस्त जो क्रिसमस की पार्टियों में शामिल हुआ करते थे।
और मेरे चाचा स्वर्गीय जाम साहब हमेशा ऐसे आयोजनों का केंद्र रहा करते थे। मुझे याद है कुछ लड़के लड़कियों ने पोलैंड के खूबसूरत पारंपरिक लिबास पहने थे और उन्होंने नृत्य किया, जो हमारे लिए जिज्ञासा की चीज थी। हमने भी उसे सीखने की कोशिश की। और आप लोग वहाँ क्रिसमस के गीत गा रहे थे वहीं पर आंगन के बीच में। फिर हम वहां पहुंचे और आप लोग बापू को देखकर बहुत खुश थे। और अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा आकर्षण क्या था, तो वो था सेंटा क्लॉस। अब बच्चे चिंतित थे कि सेंट निकलस आएंगे या नहीं, क्योंकि वहां बर्फ तो थी नहीं और स्लेज रेत पर चल नहीं सकती थी। हम सब बड़े चौराहे पर जमा होकर इंतजार कर रहे थे कि देखें आगे क्या होता है। अचानक सूर्यास्त के समय तीन ऊंट वहां पहुंचे, जिन पर बड़े बड़े थैले लटके हुए थे और उन पर तीन दूत बैठे हुए थे। और वहां मौजूद हर कोई एकदम हैरान रह गया कि ओह, ये तो सेंटा हैं, ये कहां से आ रहे हैं। सच बताता हूँ, सभी बच्चे एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे। मुझे महाराजा के ग्रीष्म आवास में उनसे हुई सबसे अच्छी मुलाकातें आज भी याद हैं। वहां हम जी भर के केक और फल खा सकते थे, फिर हम दीवार पर गेंद मारकर टेनिस खेल सकते थे। मैंने जिंदगी में पहली बार ये खेल वहीं पर खेला था। महाराजा को देखना अपने आप में कमाल का अनुभव था। महाराजा तो आखिरकार महाराजा थे। ये सब कुछ मुझे सपने जैसा लगता है। मैं सबसे पहले इस घर में लगभग 70 साल पहले आया था। इसके बाद मैं 2 बार और यहाँ आया हूँ। जब हम महल में पहली बार आए तो हम बहुत छोटे थे, इसलिए हम यहाँ खो जाया करते थे, लेकिन हम खुद को बहुत स्वतंत्र महसूस करते थे। आज ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एक सपना था, मानो वक्त एकदम थम गया हो। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सपनों की जगह हो। पोलैंड में बने गुड महाराजा स्क्वायर और जाम साहब के नाम पर स्थापित स्कूलों ने उनकी अनुकंपा और उदारता की स्मृतियों को उसी परंपरा में आभार और आदर के साथ जीवित रखा है। हमने जाम साहब और पोलैंड के लोगों के बीच एक कड़ी स्थापित की है। क्रिस्टीना ने एक ऐसे स्कूल से लगाव करने वालों का समूह बनाया जो उस समय स्थापित भी नहीं हुआ था, और किस्मत से ये समूह प्राच्य विद्या संस्थान में सक्रिय था और वहाँ के डीन ने इसे संरक्षण दिया। इस तरह धीरे धीरे कम्युनिज्म के खत्म होने के साथ ही एक स्कूल का जन्म हुआ। स्कूल का नाम रखने के लिए एक शख्सियत की जरूरत थी और इसके लिए पोलैंड के बच्चों को बचाने वाले एक भारतीय से बेहतर नाम और किसका हो सकता था। बच्चों को विदा करते समय जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो कुछ किया है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि शायद किसी एक दिन एक स्कूल या सड़क का नाम मेरे नाम पर हो जाए। हमने अपने शैक्षिक कार्यक्रम को इसी सोच के साथ विस्तार दिया कि अगर जाम साहब ने पोलैंड के लिए बुरे दौर में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वहाँ के बच्चों की मदद की थी, तो हमें भी उनके नाम को रोशन करने लायक कोई काम करना चाहिए। और तभी यह विचार आया कि हमें अपने स्कूल में शरणार्थियों के बच्चों, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़े बच्चों जैसे अनाथालय के बच्चों को दाखिल करना चाहिए, जिन्हें ठीक उसी तरह की मदद की जरूरत है जैसे पोलैंड के बच्चों को जाम साहब की मदद की जरूरत थी। इस साल अपने स्कूल के एक संरक्षक यानी साहसी और शानदार महाराजा की याद में हमने महान भारतीय लेखक टैगोर का एक नाटक मंचित करने का फैसला किया है, क्योंकि ये बिल्कुल अनोखा और शानदार नजारा होगा। मुझे लगता है कि उस समय बाला चढ़ी दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक थी जहां साल में 365 दिन अनाथालय के सभी बच्चों की मौजूदगी में पोलैंड का झंडा फहराया जाता था, क्योंकि उस समय यह खुद पोलैंड में भी संभव नहीं था।
सोवियत संघ के लोगों ने मेरे पिता की हत्या कर दी थी। भारत में महाराजा जाम साहब एक तरह से हमारे दूसरे पिता बने। मानवता तो देखिए एक ही है, और जो लोग मानवता को बांटते हैं जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर, वो लोग असल में ईश्वर के अनमोल उपहार को नष्ट कर रहे हैं। मानवता ही मनुष्य को खुशहाल जिंदगी जीने की क्षमता देती है। पेशे से एक इतिहासकार होने के नाते मेरी दिलचस्पी आधुनिक इतिहास में है, और वो भी खास तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बारे में। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि फिलोसोफर अल्बर्ट श्वार्ट्जकर की कही ये बात 100% सही थी कि जंग की हर कब्र दरअसल हमें सही मायने में शांति की दुहाई देती है। यूरोप में युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन था। भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के करीब था, और जाम साहब समेत सभी महाराजाओं के सामाजिक रुतबे में काफी कमी आ गई थी। 1943 से भारत में वलिवादे में पोलैंड के शरणार्थियों के लिए एक पोलिश कॉलोनी कायम थी, जिसमें बापू के कुछ बच्चे भी 1946 से 1948 तक रहे। जब मैं बालाचौड़ी के कैंप में रहता था, तब मैं अपनी माँ के संपर्क में नहीं था। फिर एक दिन कॉलोनी के कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, और उसने बहुत खुशी से मुझे बताया कि रेड क्रॉस से एक पोस्ट कार्ड आया है, जिसमें लिखा है कि मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है। और मेरी माँ को रेड क्रॉस से पता चला था कि मैं जीवित था और उस वक्त भारत में था, तो ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं उस कार्ड को लेकर बाहर भागा, जिस पर इस विषय से जुड़ी हुई सारी जानकारी लिखी हुई थी, और वो मुझे कमांडिंग ऑफिसर ने दिखाई तो मैं खुशी से रोने लगा, और मैं दौड़ता हुआ खुशी से उछल रहा था और कह रहा था, मेरी माँ जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। और मैं आज भी उस खुशी को याद करता हूं जब मुझे पता चला था कि इस दुनिया में मेरे अपने परिवार के लोग मौजूद थे। और उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मिल गया था, मुझे अपने माँ और भाई का पता चल गया था, और मेरे पास लौटने की एक जगह थी, मैं अकेला नहीं था। मुझे गोद लेने के लिए अमेरिका भेज दिया गया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य जिंदा था या नहीं। फिर मेरे साथ रहने वाले एक बड़े लड़के को उसकी माँ की लिखी हुई चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उज़्बेकिस्तान में मैं मिसेस गुटोव्स्का और उनकी बेटियों के साथ एक झोपड़ी में रहती हूँ। तो उसे मेरी याद थी, क्योंकि मैं अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था और मेरा भी वही सरनेम था, तो इस तरह से वो मुझे एक फोटोग्राफर के पास ले गए। फिर उसने मेरी तस्वीर अपनी माँ के पास भेजी कि यहाँ एक लड़का है जिसका वही सरनेम है और शायद ये उनके परिवार का सदस्य हो। लगभग एक महीने के बाद उन्हें एक चिट्ठी मिली और मेरे पास भी एक पत्र आया, और मेरी माँ ने लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता नहीं था कि तुम जीवित हो, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है और बहुत जल्द ही मैं भी पोलैंड जाने वाली हूँ। मुझे याद है कि 1946 में बालाचौड़ी के अनाथालय को बंद कर दिया गया था, और वहां बचे हुए बच्चों को वलिवादे भेज दिया गया था। वलिवादे में मैं एक साल रहा, फिर मैं परिवारों के एकजुट होने की प्रक्रिया में वापस इंग्लैंड पहुंचा, क्योंकि मेरे पिता इंग्लैंड में एंडर्स कोर के साथ थे, मेरे बड़े भाई अफ्रीका में थे और मेरे दो भाई रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका में थे, एक भाई युगांडा में था और यूथ कोर के साथ फिलिस्तीन में था। हम दिसंबर में मिले, लेकिन मैं सबसे पहले वहां पहुंच गया था। अफ्रीका से मेरे भाई क्रिसमस से ठीक पहले वहां पहुंचे। मेरे तीनों भाई सूट, हैट और
साजो सामान से लैस थे और मुझसे 2 साल बड़ा भाई बहुत दुबला और लंबा था और उसका हेड थोड़ा टेढ़ा था। वो कुछ कपड़ों से भरे बैग के बोझ से दबा जा रहा था और मैं उसे देखकर एकदम से हंसने लगा। वो चिढ़ गया और बैग रखकर मेरे पास आया। उसने कहा कि तुम अपने बड़े भाई पर हंस रहे हो और तुम मार खाना चाहते हो। 6 साल तक अलग रहने के बाद भाइयों ने एक दूसरे का इस तरह से अभिवादन किया। मैंने तो बहुत बाद में उससे शादी का प्रस्ताव रखा। मेरे ख्याल से ये 2007 के अंत की बात है। योरिक पोलैंड में बायटॉम से आए थे। वो फूल लेकर आए थे और उन्होंने घुटनों पर बैठकर, यहाँ ठीक इस कुर्सी के पास घुटनों पर बैठकर मुझे एक अंगूठी दी और मुझसे मेरा हाथ मांगा। मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया। देखिए, अगर मैं कभी भारत नहीं जाता तो शायद मैं कभी यादविका से भी नहीं मिल पाता। हम महाराजा के शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम मिले और अब हम साथ साथ हैं। हवा के थपेड़ों में धूप से झुलसते हुए वो वहां खड़ा है, अकेला, एकदम अकेला, इंतजार में कि इसके बच्चे शायद लौटेंगे। वो जरूर लौटेंगे। सालों से सोए हुए ये बच्चे फिर से जागेंगे, यादों के साए से एक पल के लिए शायद फिर जीवित हो जाए एक मुश्किल बचपन। वो जुदाई, वो पुरानी खुशनुमा चाहत, वो पुरानी खुशनुमा यादें, एक खुशनुमा जगह की जिसने सीने से लगाया था पूरी दुनिया में बिखरे हुए, खो चुके पोलैंड के बच्चों को। मैं हमेशा पोलैंड के प्रति वफादार रहूंगा और हमेशा आपके देश के भविष्य से हमदर्दी रखूंगा। मुझे यकीन है कि पोलैंड स्वतंत्र होगा और आप दमन से मुक्त अपने देश में, अपने घर लौटेंगे। जब तक पूरी दुनिया में मशहूर पोलिश जज्बा कायम है, तब तक आपके देश की स्वतंत्रता भी पक्की है। बाला चढ़ी जामनगर में पोलिश बच्चों के कैंप का खत्म होना जरूरी तो था, लेकिन सच पूछिए मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैं तो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि कुछ वर्षों तक वही तो मेरा घर था। जय हिंद।